हेलो एवरीवन। हेलो, आज हमारा जो प्रयास टेस्ट का फर्स्ट टेस्ट हो गया, उसके बेसिस पे हमें कुछ आपको बताना है। देखिए, जो सरचार्ज की लिमिट होती है, ये सरचार्ज की लिमिट के बेस पे क्वेश्चन जो था, सरचार्ज की लिमिट अगर हम बात करें इंडिविजुअल एच यू एफ एओपी बीओआई एंड अदर्स के लिए क्या होती है, तो सर सरचार्ज की लिमिट जो है इंडिविजुअल के लिए इनकम अगर एक्सीड करती है, बराबर 50 लाख की नहीं है, 50 लाख रुपए से अगर इनकम एक्सीड कर देती है, बट वो इनकम अगर लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ है, तो ये हो जाता है आपका 10% का सरचार्ज लगता है ऑन टैक्स। ठीक है, ठीक है सर। दूसरी जो लिमिट आती है, अगर आपकी इनकम एक्सीड कर जाती है 1 करोड़ रुपीज से, बट लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ है, तो आपके ऊपर सरचार्ज कितना लगता है? 15%। इस सरचार्ज के नॉर्मल क्वेश्चन को भी बहुत से लोगों ने गलत किया है। ठीक, तीसरी बात आपको याद रखनी है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जा रही है 2 करोड़ से भी ज्यादा, बट अगर लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़ है, तो आपके ऊपर सरचार्ज लगता है 25%। बहुत सी कॉपियों में इसको 35% लिखा गया था, जो कि गलत है। 25% सरचार्ज लगता है। एंड अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से एक्सीड होती है, तो आपके ऊपर सरचार्ज लगता है 37% का। यहां तक की बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी कॉपियों में इतनी सिंपल प्रॉब्लम में गलती थी, और इस टेस्ट के थ्रू हम बस आपको सिंपल से सिंपल चीजें तैयार करवा रहे हैं। दूसरा, जो डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर बात आती है, तो वहां पे सबका सही था कि 1 करोड़ से अबव होने पे और 10 करोड़ से लेस होने पे जो सरचार्ज की लिमिट है 7%, और तो फिर 12% होती है। बट एक बात आपको यहां के लिए समझनी होगी कि इफ आपकी इनकम है कौन सी, सर अगर आपकी इनकम है 115A या फिर 112A वाली, सॉरी 115A कहां से लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मार्कर सही चल जाओ, छोड़ो नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे देखिए, अगर अगर आपकी इनकम है 112A या 111AA वाली, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली अगर आपकी इनकम है, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली आपकी इनकम है, बट इंडिविजुअल एओपी बीओआई एचयूएफ के सेंस में हम बता रहे हैं, और आपकी इनकम मान लीजिए सिर्फ यही वाली इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली इनकम भी अगर आपकी 6 करोड़ रुपीज है, तो आपके ऊपर 37% का सरचार्ज नहीं लगता है, क्योंकि इन दोनों के लिए 111A और 112A के लिए सरचार्ज की मैक्सिमम लिमिट ही 15% है। मतलब द रेट ऑफ सरचार्ज ऑन द इनकम टैक्स पेबल ऑन द पोर्शन ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111A और 112A इज नॉट एक्सीडिंग 15%। इट मीन्स अगर मान लीजिए आपकी ये वाली इनकम आती है 65 लाख, ये वाली इनकम आती है 65 क्यों ले सर, 1.65 लाख हम लेते हैं, ये वाली इनकम आती है 2.38 लाख, और आपको नॉर्मल जो टोटल इनकम आ रही है 7 करोड़ आ रही है, सॉरी 7 करोड़, और ये भी 1.65 करोड़, और ये 2.38 करोड़। तो देखो, यहाँ पे 2 करोड़ से ऊपर होने के कारण तो 25% लगना चाहिए, इस पे 25% लगना चाहिए, आप कहेंगे, बट 111AA और 112A पे मैक्सिमम सरचार्ज की लिमिट 15% ही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ओके ओके सर, अब आते हैं हम कुछ कॉपियों पे, आपको अगर लेके चलें तो आइए कुछ पेपर्स के बारे में आपसे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से बहुत से लोगों ने जो पेपर्स हमें दिए हैं वो गलत तरीके से पीडीएफ अपलोड किए, कुछ लोगों ने जिप फाइल अपलोड की, कुछ ने डॉक्यूमेंट किए, 7 एक्सेल फाइल्स आई, बट आपको वहां पीडीएफ सेलेक्ट करना था। नेक्स्ट टाइम आप हमें अपनी कॉपी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बट प्लीज गलत चीज को सेलेक्ट मत करिएगा अपलोड करते समय। ओके ओके, इस कॉपी में नेम ही मिसिंग है। ओके, कॉपी यहां से स्टार्ट होती है, प्रेजेंटेशन पार्ट पे ध्यान ही नहीं दिया गया, और एमसीक्यू कुछ गलत निकले हैं सबके, एक्सक्लूडिंग सेस थी ये वैल्यू जिसको उन्होंने मेंशन नहीं किया, इसलिए आपको ये सब कुछ चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। एंड अगर आप कॉपी को देखें तो बहुत रफली
रफली लिखने की कोशिश की गई है, बहुत ज्यादा रफली, बट इंफॉर्मेशन पूरी है। देखिए कॉपी में इंफॉर्मेशन पूरी है, 101% करेक्ट कॉपी है ये, इंफॉर्मेशन पूरी है, बट इतना रफली है कि ये रफली होने के कारण अपना इंपैक्ट नहीं दे पा रहा है हमारे ऊपर। अभी मैंने 3-4 कॉपियां रखी होंगी, मैं आपको सब दिखाता हूं। ये देखिए, ये भी पूरा करेक्ट करते हुए भी यहां पे इन्होंने फिलहाल लास्ट में गलत किया, बट रफली लिखने के कारण ये हमें अपनी इंफॉर्मेशन सही कन्वे नहीं कर पाए। दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर सिर्फ पूछा गया है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो क्या है, बहुत से लोगों ने कैपिटल गेन को कैलकुलेट कर दिया है जो नहीं करना था। इतना जितना रिक्वायर्ड हो सिर्फ आप उतना ही काम करेंगे। इस तरीके से प्रेजेंटेशन आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी ही पड़ेगी, प्रेजेंटेशन पे आप नहीं कुछ कर सकते, प्रेजेंटेशन के साथ आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। और ये इस तरीके से देखिए, बीचों बीच कोई भी फिगर लिख के आगे बढ़ जाना, ये भी एक सही चीज नहीं है कि आपका हाफ क्वेश्चन सही हो रहा है बट जो हाफ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था उसको आपने इतने गंदे से प्रेजेंट कर दिया है कि उसको नहीं देखा जाएगा। इनको मैंने बोल दिया था कि डार्क पेन यूज करें, बिकॉज अब अपने जितने भी एग्जाम्स होंगे उनको भी शायद इंस्टीट्यूट अब अपनी डिजिटल चेकिंग ही कराएगी। नेक्स्ट कॉपी को हम देखते हैं। चलिए, ये जो कॉपी है हमारी आई है, ये कॉपी देखिए प्रीवियस कॉपी से कितनी अलग दिख रही है, और इसमें चेंजेस कुछ नहीं किए गए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्होंने स्कैनिंग अच्छी की है और डार्क पेन का यूज किया है। कॉपी को देखने का नजरिया कितना बदल चुका है। जब एग्जामिनर, जो कि डिजिटल मार्किंग अब होने वाली है, डिजिटल चेकिंग होने वाली है, जब एग्जामिनर के पास इस तरीके की डार्क पेन यूज की हुई कॉपी आएंगे तो कितना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, एक बार आप ये सोचिए। बट इन्होंने भी थोड़ा बहुत रफली लिखा है, बट आप ये देखिए कुछ एमसीक्यू गलत हैं, एंड प्रेजेंटेशन में और इंफॉर्मेशन में बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरीके से छोटी छोटी चीजें इन्होंने साइड में दिखाई हैं, बहुत अच्छा था। इनकी कॉपी में भी कुछ ट्रीटमेंट तो ठीक है, जो भी डिफरेंट हैं, कुछ चीजें जो कैलकुलेट नहीं करनी थी इनको उन्होंने कैलकुलेट कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा जितना क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी उससे भी ज्यादा वर्क करके इन्होंने दे दिया है। कुछ कैलकुलेशन की सिली मिस्टेक्स भी की हुई है इन्होंने, और कुछ कंसेप्ट की प्रॉब्लम थी। यहाँ पे भी हाफ क्वेश्चन सही था, हाफ क्वेश्चन गलत था। देखिए टीडीएस में गलती दिखा की गई यहाँ पे, अगेन टीडीएस जैसे टॉपिक में, सरचार्ज या इवन मैंने इस तरह के छोटे क्वेश्चन सिर्फ आपको इसलिए दिए थे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाए, एग्जाम में गलती करने के पहले आपकी प्रिपरेशन यहीं हो जाए, यहीं पर रेक्टिफाई हो जाए, तो बाकी सब कुछ काफी हद तक इनका भी अच्छा था। अब ये दो कॉपी देखने के बाद मैं आपको कोई और भी कॉपी, एक लास्ट कॉपी ये दिखाते हैं। देखिए इन्होंने भी सेम इंफॉर्मेशन यूज की है और इनके मार्क्स आई थिंक इसके पहले वाले लोगों से कुछ कम है, बट इनकी प्रेजेंटेशन को आप बस देखिए, इनके एमसीक्यू गलत थे बट प्रेजेंटेशन को अगर आप देखिए, क्लियर प्रेजेंटेशन है कि इनके ऊपर बस एग्जामिनर, इफ मैं एग्जामिनर हूं तो मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ी कि हम सर्च करें कि आंसर्स कहां लिखे। इन्होंने इतने क्लियरली आंसर्स दिए, हमें कोशिश ही नहीं करनी पड़ी आंसर्स कहां लिखे हुए हैं, जिसका बेनिफिट इनको मिला है। देखिए कितनी क्लियरली, जहां गलत था उसको भी जबरदस्ती का मैशअप करने की कोशिश नहीं की, जिस तरीके की अर्लियर कॉपीज में मैशअप था, तो इसका भी इनको बेनिफिट मिला है और कितना क्लियरली इन्होंने सब कुछ प्रेजेंट किया है। तो आपसे भी यही उम्मीद की जाती है कि क्लियरली प्रेजेंट करिए। और ये सरचार्ज जैसा छोटा सा टॉपिक था, इस पर बहुत लोगों से गलती हो रखी थी, इसलिए मैंने इसको अलग से वीडियो बना के बताया। एंड ये 111A और 112A की जो मैक्सिमम सरचार्ज लिमिट है ये 15% ही है, ये आप याद रखिएगा। एंड बहुत से क्वेश्चन अदर जो मुझे क्वेरी में आपको बताने हैं कि अब टेस्ट सीरीज की सारी क्लासेस फुल हो चुकी हैं, अब हमारे पास टेस्ट सीरीज के लिए इनरोलमेंट्स नहीं है, बट हमने कुछ लोगों को सेल्फ इवेल्युएशन पे दे दिया है, जो सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं अपने टेस्ट पेपर को, उनका शेड्यूल भी है, उनको टेस्ट पेपर मिलेगा, टेस्ट पेपर के बाद उनको वही उनका जो टाइम है उसके 2 आवर्स के बाद उनको पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएगा और वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, वो सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं। और इसके प्राइसेस भी बहुत लो हमने कर दिए हैं, बस प्रिपरेशन कर लीजिए आप, रजिस्ट्रेशन करा के आप सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं, बट करेंटली हम इवेल्युएट नहीं कर पा रहे आपकी कॉपी, इसलिए टेस्ट सीरीज में आपकी इनरोलमेंट रुकी हुई है, वहां से वो टैब गायब है अभी। ओके तो अभी कुछ टाइम बाद हम फिर से अपना रिविजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर
डेली रैंडम टॉपिक, क्योंकि हमने बहुत सीक्वेंस पढ़ लिया, रैंडम टॉपिक का रिवीजन होगा, चाहे वो डीटी का हो या आईडीटी का हो, प्रोबेबिली 5 to 6 अगस्त से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, और छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखिएगा।